अफगानिस्तान पाकिस्तान आए चैंपियन ट्रॉफी के लिए या ना आए, उनकी क्या औकात है भाई? हम तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे। अरे लाहौर के बगल के पकड़ो। औकात उनकी होती है जो खेलते हैं। फिर कौन सी औकात की बात करते हो भाई? वैसे भी अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए बनते हैं। किसी भी कहता है कि अफगानिस्तान ने उनको मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं आएंगे या हम शामिल नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज थी कि अफगानिस्तान अब इंडिया को इतना मान रहा है, इतनी उनकी बात मान रहा है, तो हो सकता है अगर इंडिया नहीं आ रहा तो फिर अफगानिस्तान भी ना आए। किंग कर लेगा, किंग ने किया तो नहीं है, कब करेगा किंग? हाँ किंग ने कर लिया भाई, इतना कर लिया किंग ने, मैदान पूरा पीला पीला कर दिया किंग ने। किंग कर लेगा। एक ही तो बंदा है पाकिस्तान की टीम में जिन्हें ये लोग किंग से पुकारते हैं, और ज्यादा किंग बोल बोल के उस बिचारे की जो थोड़ी बहुत बची हुई हवा थी वो भी निकलवा दी भाई। पाकिस्तान के जो क्लब में जो क्रिकेट होते हैं, जो वहां के जो छोटे मोटे जो क्रिकेट कराते हैं, वहां पर मैन ऑफ द मैच को जो है या प्लेयर ऑफ द मैच को 500 रुपए दिए जाते हैं, और वो 500 रुपए अफगानिस्तान के 100 रुपए बनते हैं। मानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी, तो ये प्री वेडिंग फंक्शन थे। ओके, उसमें अंबानी जो है ना वो ICC है, और ICC की पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है, कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट, बस इससे ज्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्ले तो करेंगे, खेलेंगे तो सही, दूसरी टीम को बुलाना ICC की जिम्मेदारी। न्यूजीलैंड की जेड टीम ठोक के चली जाती है, थोड़ा शर्म कर लो भेड़ के टको। और भाई आयरलैंड जैसी टीम तुम्हें ठोक के तुम्हें घुसा के वो चली जाती है, और तुम औकात की बात करते हो, कहां है तुम्हारी औकात? जरा दिखाना अपनी औकात, देखता हूँ कि कौन सी जो कौन सा मैच तुम लोगों ने जीता है। लेकिन वो कम से कम कंसिस्टेंट है, मैं उनको यहाँ दाद देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है पिछले 12-15 साल से, कि वो इस बुनियाद पे पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा सपोर्ट किया है, 2016 का ICC T20 वर्ल्ड कप आपको याद है, चौधरी निसार अली खान साहब उस वक्त तो अब वजीर दाखला आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। ICC के जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें पाकिस्तान का बड़ा टॉप हिस्सा है, पाकिस्तान 4 ममालिक के टॉप 4 ममालिक में रहता है जो हिस्सा शेयर करते हैं। बेशक इंडिया का शेयर सबसे ज्यादा है लेकिन पाकिस्तान का शेयर होता है। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान ICC को जो फाइनेंशियल है उसमें इनपुट भी दे रहा है, फाइनेंशियल इनपुट दे रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जितना ICC का नुकसान था उसके करीब करीब ICC ने पैसा भी कमाया है। ICC को BCCI की सुननी पड़ेगी, ठीक है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। देखें ICC का जो काम करने का तरीका कार है वो अपने मेंबर्स के दबाव में आ सकती है। बेटा अफगानिस्तान की टीम ना तुम्हारी टीम से बहुत आगे है, बहुत आगे है, और इसका बड़ा एग्जाम्पल 23 अक्टूबर तो तुम लोग भूल गए होंगे, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप तुम कभी भूलोगे नहीं। आप प्लेयर्स भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाह हाल, डोमेस्टिक क्रिकेट फिर आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। इस पर आते हैं कि हमारे घर के मामला आते हैं, खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, चूंकि ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि हम, मुझे याद है रमीज राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर आप बहुत बड़ी टीम बन जाते हैं, आप ICC इवेंट जीतते हैं तो आपकी मार्केट ब्रांड वैल्यू होती है, बट वो भी 2 साल में पीछे हो गई है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सभी देश तो पाकिस्तान के मजे ले रहे हैं, तो वहीं अफगानिस्तान मीडिया भी पाकिस्तान टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जमकर मजा ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ये बातें हो रही थी कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी, लेकिन इन पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा गुस्सा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे। लेकिन जब मीटिंग में ICC की मीटिंग जब कोलंबो में हुई, वहाँ पर मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और PCB चेयरमैन दोनों पहुंचे हुए थे, तो इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। अफगानिस्तान पाकिस्तान आए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या ना आए, उनकी क्या औकात है भाई? हम तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे। अरे लाहौर के बगल के पकड़ो। औकात उनकी होती है जो खेलते हैं, और यह टॉपिक ही सारा खेल का है, यह इवेंट ही खेल का है। जो तुमसे घंटा नहीं खेला जाता तो फिर तुम औकात की बात करते हो। और फिर कौन सी औकात की बात करते हो भाई? वैसे भी अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए बनते हैं। औकात की बात करते हो सालो। मैन ऑफ द मैच को पाकिस्तान के जो क्लब में जो क्रिकेट होते हैं, जो वहां के जो छोटे मोटे जो क्रिकेट कराते हैं, वहां पर मैन ऑफ द मैच को जो है या प्लेयर ऑफ द मैच को 500 रुपए दिए जाते हैं, और वो 500 रुपए अफगानिस्तान के 100 रुपए बनते हैं। औकात की बात करेंगे, बगल के पकोड़े, कौन से पकोड़े? जो यूं करके बनाते हैं, ये वो खाने वाली कौम है, इनको क्या पता भाई। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो ICC के फुल फ्लेज मेंबर्स है, और इससे पहले ICC के जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें पाकिस्तान का बड़ा टॉप हिस्सा है, पाकिस्तान 4 ममालिक के टॉप 4 ममालिक में रहता है जो हिस्सा शेयर करते हैं। बेशक इंडिया का शेयर सबसे ज्यादा है लेकिन पाकिस्तान का शेयर होता है। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान ICC को जो फाइनेंशियल है उसमें इनपुट भी दे रहा है,
फाइनेंशियल इनपुट दे रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जितना आईसीसी का नुकसान था उसके करीब करीब आईसीसी ने पैसा भी कमाया है उस एक मैच से जो वर्ल्ड कप में हुआ है। तो आईसीसी को यह बात बड़े अच्छे से पता है कि पाकिस्तान क्या इंपॉर्टेंस रखता है और पाकिस्तान को किसी भी सूरत आप कितनी देर आईसीसी इवेंट से दूर रख लेंगे, रख ही नहीं सकते थे 22-26 साल रख लिया ना। अब आईसीसी इवेंट देना था और चैंपियंस ट्रॉफी हुई और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा नो डाउट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अरसलान साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो न्यूट्रल वेन्यू की आपने बात की, तो पाकिस्तान की जानिब से ये तजवीज़ के न्यूट्रल वेन्यू पे हम एक सीरीज खेल लेंगे ठीक उस वक्त से पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी की बातें हो रही हैं, तो इसको बड़ा ही नेगेटिव लिया जा रहा है और बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल सीरीज इस लम्हे पाकिस्तान को ऑफर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सरहद पार की बात की जाए तो ना वो अपने घर में हमारे साथ खेलना चाहते हैं, ना हमारे घर में खेलना चाहते हैं, ना ही न्यूट्रल सीरीज पे खेलना चाहते हैं, वो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में हमारा सामना करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड की जेड टीम ठोक के चली जाती है, थोड़ा शर्म कर लो भेड़ के टको। और भाई आयरलैंड जैसी टीम तुम्हें ठोक के तुम्हें घुसा के वो चली जाती है और तुम औकात की बात करते हो, कहां है तुम्हारी औकात? जरा दिखाना अपनी औकात, देखता हूं कि कौन सी जो कौन सा मैच तुम लोगों ने जीता है। भाई मुंह खड़ा करके तो वर्ल्ड कप से तुम्हें भगा दिया गया है, अब भी बात कर रहे हो यार। अगर हमारी टीम, और हुई भी ऐसी बात नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम कभी वर्ल्ड कप में इस तरीके से बाहर नहीं हुई, हुई है मेरे दोस्त, कई बार हुई है, उसके बाद हमने यही माना है यार हमारी टीम गलत खेली है, गलत परफॉर्मेंस दिया है, हमने बड़ी बात नहीं बोली। भाई अफगानिस्तान तो इस वर्ल्ड कप में इतने सारे मैचेस जीतने के बाद भी हमने बड़ी बोल नहीं बोली, लेकिन भिखारी पहले राउंड में बाहर हो गया। भिखारी का जो है वो उछलना, बेकार में भोंकना, वो खत्म ही नहीं हो रहा भाई। वैसे एक बात बताओ, आजकल सोशल मीडिया पे कोई टाइटल नहीं मिल रहा किंग बोब्जी, किंग कर लेगा। न्यूजीलैंड की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, तो उन्होंने अपनी शमूलियत का भी यानी कि उसको तस्लीम करते हुए कहा है कि हम भी इसके अंदर शामिल होंगे, जो कि बहुत सारी ऐसी भी खबरें थी जिसके बारे में पीसीबी कहता है कि अफगानिस्तान ने उनको मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं आएंगे या हम शामिल नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज थी कि अफगानिस्तान अब इंडिया को इतना मान रहा है, इतनी उनकी बात मान रहा है, तो हो सकता है अगर इंडिया नहीं आ रहा तो फिर अफगानिस्तान भी ना आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रही है कि पहले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम मतलब बोर्ड कहती है कि हम पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, तो फिर बाद में मना क्यों कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है, तो वहीं पड़ोसी देश यानी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और अफगानिस्तानी मीडिया भी इन पाकिस्तानियों के मजे लेने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसको लेकर आप सबने वीडियो में देखा ही होगा। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले हर बार अफगानिस्तान टीम को ट्रोल करते हैं कि अफगानिस्तान टीम को हमने सिखाई है और अफगानिस्तान टीम को हमने आगे बढ़ाया है और मतलब अफगानिस्तान टीम हमसे बहुत पीछे है। लेकिन आपको बता दें कि इस करंट जनरेशन में जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, पाकिस्तान से लाख गुना बढ़िया टीम है अफगानिस्तान की टीम, लेकिन इनकी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया मानने को तैयार नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम हमसे आगे निकल चुकी है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को एक घमंड है कि हमने अफगानिस्तान को सिखाया है तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम हमसे आगे कैसे जा सकती है। इन पाकिस्तानियों की गलतफहमी है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से भारत में जब 2023 में 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ उसमें इतनी शानदार प्रदर्शन दिखाई थी, उसके बाद से यूएसए में जो वर्ल्ड कप खेला गया यूएसए और मतलब वेस्ट इंडीज में मिलाकर, वहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन दिखाई थी पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम हमसे पिछड़ी टीम है, लेकिन अफगानिस्तान टीम बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान में वो भी जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के हजम नहीं हो रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।